लोगों से ठगी करने वाला गिरफ्तार। आरोपी रविदास महंत उर्फ कबीर कंवर पिता गोविंददास महंत उम्र 22 वर्ष साकिन महुआडी थाना कुसमुंडा जिला कोरबा। पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर, नगर पुलिस अधीक्षक योगेश कुमार साहू के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक लखनलाल पटेल के दिशा निर्देश पर नकली पुलिस बनकर लोगों को ठगी करने वाला गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक लखनलाल पटेल, सब निरीक्षक राकेश गुप्ता, आरक्षक पुरंजन साहू, आर विकास कोसले आरक्षक कमल सिंह कंवर की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस पुलिस विज्ञप्ति के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि इस तरह के व्यक्तियों से सतर्क रहें एवं ऐसी घटना होने पर विलंब न करते हुए तुरंत पुलिस को सूचना देवें। छत्तीसगढ़ कोरबा से मैं सिमरन गाटिया। थाना उड़गांव में प्रार्थिया शिवदास द्वारा रिपोर्ट दर्ज करवाया गया कि पुलिस के वर्दी में कबीरदास नाम का एक व्यक्ति आया और उसके लड़के को छुड़ाने के नाम से 10,000 रुपये की मांग किया। उसकी रिपोर्ट के आधार पर हमारे द्वारा टीम भेज करके तस्दीक किया गया। हम तस्दीक के दौरान पता चला कि एक कबीर दास अपने आप को जो बता रहा था उसका ओरिजिनल नाम रविदास महंत है। वह चापा में मिला जिसको पकड़ के लाए हम पूछताछ किया गया, जो कबूल किया कि कई महीनों से वह ऐसा पुलिस की वर्दी पहनकर ठगी कर रहा है और लोगों को बला फुसला कर उनसे पैसा भी वसूली कर रहा है। उस संबंध में उससे एक वर्दी, नेम प्लेट, बेल्ट, शूज जब्ती किया गया है। हम उसके आधार पर उसका न्यायिक रिमांड न्यायालय से लिया जा रहा है। ये जो चापा में जिसके साथ उसके साथ तौर पर क्या पुलिस वाले थे, उससे जान पहचान किसी बात को लेकर हुई थी? वो भट्टी में पीने गया था, उस दौरान कोई उससे मिला था, इसका बोलना है कि कोई पुलिस वाला मिला था बोल के, लेकिन सत्यता अभी जांच करने पर ये पता चला है कि घटना को अंजाम इसने अकेले ही दिया। जो 10,000 जिसे लिया था छुड़ाने के नाम पर, युवक जो किस मामले में जेल दाखिल है और क्या क्या बात बता सकते? ये पूर्व में थाना क्षेत्र नौलपुर नाका है, वहाँ पे मर्डर हुआ था रेलवे कर्मचारी का। उसके जो हत्या के आरोपी थे प्रेमदास, उसको जेल दाखिल किया गया है पूर्व में ही, उसके नाम से इसने वसूली करना चाहा था। कि जेल से भाग गया है? जी, जेल से भाग गया है वो। क्या धारा इसमें लगी है? इसमें 420, 419, 177 आदि धाराएं लगाई गई हैं। पकड़ा गया आरोपी कहाँ का रहने वाला है और क्या है इसे कुछ और भी क्या इस मामले इससे पहले कोई मामले में कैसे? यह स्वयं पूछताछ में बताया है कि चोरी के मामले में पूर्व में गया है, उसकी छानबीन की जा रही है कि कितने मामले और हैं, और ये हरदी बाजार क्षेत्र का रहने वाला है।